देश में लोकसभा का चुनाव है। हर पार्टी अपने अपनी तरफ से तैयारी कर रही है कि 2024 के चुनाव में जीत दिखाई जाए, लेकिन इन सब के बीच लालू परिवार की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बात लालू परिवार के क्या करें, लालू परिवार के करीबियों की भी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहाँ लालू परिवार पर ईडी सीबीआई का लगातार छापा पड़ता रहता है, तो वहीं दूसरी ओर उनके करीबी के घर भी लगातार ईडी सीबीआई के जो छापेमारी है वो चलते रहती है। पिछले दिनों भी लालू यादव के करीबी नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, तो वहीं आज जो एक बार फिर से लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले शंभुनाथ के यहाँ लगातार छापेमारी चल रही है। बिहार में सियासी दलों के नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश तेज कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी और बक्सर के बरहमपुर से विधायक शंभुनाथ सिंह यादव के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। सुबह से ही उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। बताया जाता है कि शंभुनाथ सिंह यादव के चक्की स्थित आवास समेत अलग अलग करीब 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। यह कार्रवाई सुबह 4 बजे से ही शुरू की गई थी, जो अभी तक जारी है। उनके मैनेजर के घर भी ईडी की रेड चल रही है। हालांकि कोई भी स्थानीय अधिकारी इस बाबत मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मामला लैंड फॉर जॉब मामले या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर पटना के बिहटा स्थित सोन होटल सहित शंभुनाथ सिंह के कई ठिकानों पर ईडी टीम की छापेमारी और सिकंजा जारी है। हालांकि छापेमारी अभी भी जारी है और क्या कुछ मिला है ये अभी तक किसी अधिकारी की तरफ से बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार में ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी अब शुरू हो चुकी है। लगातार राजद परिवार सहित राजद पार्टी से जुड़े विधायक हो या फिर लालू यादव के करीबियों के ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है। जी हां, बिहार में सियासी दलों के नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश तेज कर दी है और लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी इन सब के यहाँ चलती है। तो वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर की बात हो या फिर उनके करीबियों के घर हो, लगातार ईडी सीबीआई उनके घर भी जाकर छापेमारी करती रहती है। आज शंभुनाथ सिन्हा के यहाँ छापेमारी की है, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि मामला लैंड फॉर जॉब मामले का ही है। जी हाँ, वही लैंड फॉर जॉब मामला जिस पर लालू परिवार की मुश्किलें अभी तक बनी है, जिसमें लालू परिवार के कई लोग का नाम सामने आता है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मिसा भारती सहित हेमा यादव का नाम भी लैंड फॉर जॉब मामले में शामिल है। तो वहीं इन सब के बीच आज शंभुनाथ सिन्हा के यहाँ भी छापेमारी की है और ये देखा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामला ही है। लेकिन हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मीडिया के सामने नहीं आ पाई है, क्या कुछ मिला है ये भी अधिकारियों ने अभी तक मीडिया में नहीं बताया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।